कप्तान से सखर ही नहीं, पंजाब में भी 500 के करीब लोग आए। इन मुसाफिरों का डाटा किसके पास है, उनसे राबता क्यों नहीं किया गया? बदकिस्मती से हुकूमत के पास कोरोना का कोई हल नहीं। लीग रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी ने तब्दीली सरकार पर तनकीद करते हुए कहा, वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों के बयान नहीं मिल रहे। वफाकी हुकूमत की बजाय सिंध हुकूमत ने इकदाम किए हैं। मुल्क को डेंगू कंट्रोल करने वाले शहबाज शरीफ की जरूरत है, बुज़दार साहब के बस की बात नहीं। नून लीग ने कोरोना के खिलाफ हुकूमती इकदाम पर सवाल उठा दिया। हुकूमत का रिस्पांस आज तक ये है कि कोई मसला नहीं था और हमने इसको हल करने के सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। हमारे मुल्क में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ईरान से आए, उनको हम बॉर्डर पर मैनेज करने में नाकाम रहे। सूबाई हुकूमत ने कहा है कि ये वफाकी हुकूमत का काम था और जिस तरह ईरान के बॉर्डर पर तफ्तान में इसको मैनेज किया गया, इतनी बड़ी फेलियर और मैं नहीं समझता कि बड़ी पाकिस्तान की तारीख में हो सकती है। फिर भी दूसरी सूबाई हुकूमतों से बेहतर था, उन्होंने लोगों का पीछा भी किया, उनको टेस्ट भी किया और जितने लोग वो टेस्ट कर सके उनमें से आधे जो हैं उनके अंदर कोरोना वायरस पाया गया। पंजाब के अंदर हमारी इतला ये है कि 500 के करीब उस काफिलों में ऐसे लोग हैं जो पंजाब में आए और वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब फैल चुके हैं। लेकिन आज अगर पंजाब को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक शहबाज शरीफ की ज़रूरत है जो इस मामले को मैनेज कर सके। बुज़दार साहब की बस की ये बात नहीं है।